आज तारीख हो चुकी है 1 मार्च। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है, वह थी जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दरअसल जसप्रीत बुमराह को लेकर कल ही ऑफिशियल हो चुका है कि बुमराह अब यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके। इवन ना सिर्फ इन टूर्नामेंट से बाहर हो चुके, बल्कि बुमराह को अब अपनी बैक की सर्जरी करानी होगी। पहले ही बुमराह ने यहां पर सर्जरी करी थी, अब दोबारा से इनको सर्जरी करानी होगी। उसके बाद इनको फिट होने में 6 महीने लगेंगे। कुल मिलाकर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनके खेलने पर अभी से यहां पर सस्पेंस है। ओडीआई वर्ल्ड कप में ये खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे अभी कंफर्म्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर बुमराह ऑफिशियली यहां पर आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई की टीम वरुण अरुण को भी बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर कंसीडर कर रही है। हालांकि वरुण अरुण को यहां पर राजस्थान की टीम भी प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट के तौर पर कंसीडर कर रही है। तो कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस करंटली कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर वरुण अरुण को कंसीडर कर रही है। वैसे जैसे ही बुमराह की रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहां पर पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए कि मुंबई का ये सही फैसला होने वाला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी के यहां पर 3 सबसे बड़े स्टार क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली 2 अप्रैल को हमें इकट्ठे यहां पर दिखे हैं। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम का जो पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ होगा, उस मुकाबले में आरसीबी के यहां पर पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल, इसके साथ ही एबी डिविलियर्स आरसीबी के डगआउट में नजर आएंगे। इसके साथ ही विराट कोहली मुकाबला खेलेंगे। तो जिन 3 खिलाड़ियों ने आरसीबी की फ्रेंचाइजी को इतना बड़ा बनाया, वो तीनों खिलाड़ी अब आईपीएल 2023 के एडिशन में एक साथ हमें नजर आएंगे। कुल मिलाकर आईपीएल 2018 में या फिर लगभग 2018 में यहां पर क्रिस गेल ने यहां पर इस टीम को छोड़ दिया था, या फिर एक तरीके से आरसीबी ने क्रिस गेल को इनको रिटेन कर दिया, यहां पर रिटेन नहीं किया था। तो लगभग यहां पर लंबे समय बाद अब क्रिस गेल दोबारा से इस टीम के साथ हमें नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर क्रिस गेल 6 साल बाद अब आरसीबी की जर्सी में, आरसीबी के डगआउट में नजर आएंगे। आप कमेंट करके बताइए आप इन तीनों को एक फ्रेम में एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई के लिए बड़ी कुछ खबर है। चेन्नई के यहाँ पर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कंफर्म कर दिया कि अप्रैल 2023 के एडिशन में अवेलेबल रहेंगे। जहां पर कुछ दिनों पहले कुछ सोर्सेज ने बताया था कि बेन स्टोक्स प्लेऑफ्स के मुकाबले यहां पर मिस करेंगे, और इसके बाद चेन्नई ने बेन स्टोक्स के साथ बातचीत करी थी। हालांकि बातचीत करके चेन्नई ने अब सब कुछ सेटल कर लिया। बेन स्टोक्स अप्रैल 2023 के एडिशन के पहले मुकाबले से लेकर अंतिम मुकाबले तक उपलब्ध रहेंगे। चेन्नई के लिए पहले मुकाबले से लेकर आखिरी मुकाबले तक अब बेन स्टोक्स उपलब्ध रहेंगे। तो चेन्नई के पहले मुकाबले से आखिरी मुकाबले तक ये प्लेइंग 11 का भाग रहेंगे और चेन्नई के लिए हमें कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चेन्नई को ये साल आईपीएल खिताब दिला पाएंगे या फिर नहीं, कि एमएस धोनी को फेयरवेल में आईपीएल खिताब दिला पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है हैदराबाद की तरफ से। दरअसल हैदराबाद की टीम इस साल यहां पर आईपीएल जीत सकती है, क्योंकि यहां पर इस साल जितने भी T20 यहां पर टूर्नामेंट हुए हैं, वहां पर ऑरेंज जर्सी वाली टीम ने यहां पर टूर्नामेंट जीते। जहां पर SA20 लीग में ऑरेंज जर्सी वाली यहां पर हैदराबाद की टीम ने टूर्नामेंट जीता था। इसके साथ ही IL T20 में यहां पर ऑरेंज जर्सी वाली टीम ने टूर्नामेंट जीता था। इसके साथ ही बिग बैश लीग में भी ऑरेंज जर्सी वाली टीम ने यहां पर टूर्नामेंट जीता था। इसके साथ ही यहां पर हैदराबाद ने इस साल एडन मार्करम को कप्तान बनाया। एडन मार्करम ने अपने पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में यहां पर अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। पहले SA20 लीग के सीजन में SA20 लीग जीत लिया, तो हो सकता है पहले IPL के सीजन में यह IPL भी जीत जाए। तो कुल मिलाकर काफी अधिक आंकड़े यहां पर एडन मार्करम की तरफ है। पहले सीजन में हर साल यहां पर टूर्नामेंट जीतते, तो हो सकता है कि IPL में ये पहले सीजन खिताब जीत जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग के इन आंकड़ों के आधार पर क्या हैदराबाद की टीम इस साल यहां पर IPL जीतेगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल यहां पर ऋषभ पंत की जगह सरफराज खान में विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे और टॉप ऑर्डर में ये बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। लेकिन रिसेंटली यहां पर सरफराज खान यहां पर इंजर्ड हो गए थे, जहां पर DY पाटिल टूर्नामेंट में इंजर्ड हो गए थे। इनकी फिंगर में काफी मेजर इंजरी हुई थी। हालांकि करंटली दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में मौजूद है, लेकिन यहां पर करंटली ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, करंटली इंजर्ड चल रहे। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और समस्या यहां पर क्रिएट हो चुकी है। हालांकि यहां पर रिपोर्ट है कि सरफराज खान आईपीएल से ठीक पहले यहां पर फिट हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से इनका इंजर्ड होना या फिर ऋषभ पंत की यहां पर बैकअप का इंजर्ड होना इस टीम के लिए एक बुरी खबर है। कुल मिलाकर आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए
लिए लगातार समस्याएं बढ़ रही। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है वुमेंस प्रीमियर लीग की टीम यहाँ पर यूपी वॉरियर्स को लेकर। दरअसल वुमेंस प्रीमियर लीग के लिए अब यूपी वॉरियर्स की ऑफिशियल जर्सी लॉन्च हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर इस टीम की जर्सी देख पाएंगे, तो इस जर्सी में यहाँ पर यूपी वॉरियर्स हमें वुमेंस प्रीमियर लीग का यहाँ पर सीजन खेलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की यहाँ पर वुमेंस प्रीमियर लीग की अब यूपी वॉरियर्स की ऑफिशियल जर्सी रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी यह जर्सी लगी है और 10 में से आप कितने नंबर जर्सी को दोगे। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई इंडियंस ने पिछले साल यहाँ पर आर्चर को अपनी टीम में यहाँ पर परचेस करके शामिल किया था ताकि आर्चर और बुमराह का एक कॉम्बिनेशन बन पाए, लेकिन पिछले 2 सालों से आर्चर बुमराह का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। जहाँ पर आईपीएल 2022 के एडिशन में बुमराह पूरी तरीके से फिट थे लेकिन आर्चर इंजर्ड थे, इस वजह से इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया था। आईपीएल 2023 में अब यहाँ पर आर्चर फिट हो चुके लेकिन बुमराह इंजर्ड हो चुके, तो इस वजह से एक बार फिर से इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। जिन इरादों से जिन मकसद के चलते हुए यहाँ पर मुंबई के ओनर्स ने इन दोनों को एक साथ अपनी टीम में शामिल किया था, वो मकसद इनका अभी भी पूरा नहीं हो पाया। होपफुली 2024 के आईपीएल एडिशन में शायद ये दोनों एक साथ हमें दिखे, दोनों पावर प्ले में और डेथ ओवर में एक साथ गेंदबाजी करते हुए दिखे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या अगले साल बुमराह और आर्चर को यहाँ पर एक साथ देखने का मुंबई के फैंस का सपना पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। वैसे आप इन दोनों को एक साथ गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की, तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वुमेंस प्रीमियर लीग के सभी कप्तानों को लेकर। दरअसल वुमेंस प्रीमियर लीग के सीजन की शुरुआत में 3 से 4 दिनों का समय बचा और वुमेंस प्रीमियर लीग के लिए अब सभी कप्तानों के नाम घोषित हो चुके हैं। जहां पर आरसीबी के लिए स्मृति मंदाना, इसके साथ ही गुजरात जायंट्स के लिए यहां पर मोनी, इसके साथ ही यहां पर यूपी वॉरियर्स के लिए यहां पर एलएस, यहां पर हेली यहां पर कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही मुंबई के लिए यहां पर हरमनप्रीत कौर, इसके साथ ही यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैग लेनी अब कप्तानी करेंगे। तो इस प्रकार से इन 5 टीमों की इस प्रकार से यहां पर कप्तान रहेगी। आप कमेंट करके बताइए आप 3 दिन बाद होने वाली टूर्नामेंट में आखिर कौन सी वुमेंस प्रीमियर लीग की टीम को सपोर्ट करोगे। अब हम बात करते हैं नवी बड़ी खबर की, तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेपॉक के स्टेडियम को लेकर। दरअसल चेपॉक के स्टेडियम में नई स्टैंड बिल्ड करी गई, आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर कंप्लीट देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आखिर नई स्टैंड बिल्ड करी गई है। तो कुल मिलाकर 10,000 यहां पर क्राउड की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। पहले से स्टेडियम में केवल 30,000 व्यक्ति आते थे, अब यहां पर इस स्टेडियम में एक साथ 40,000 व्यक्ति आ पाएंगे। 40,000 लोग एक साथ यहां पर चेन्नई के मुकाबले देख पाएंगे और एमएस धोनी का तो आखिरी यहां पर आईपीएल का एडिशन का यहां पर फेयरवेल मुकाबला या फिर चेपॉक में फेयरवेल मुकाबला 14 मई को होगा। तो उस मुकाबले में तो हमें यहां पर प्रॉपर रूप से यहां पर कंप्लीट फुल क्राउड के साथ हमें शायद वो आईपीएल मुकाबला देखने को मिले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या एमएस धोनी के फेयरवेल मुकाबले में हमें 100% क्राउड यहां पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं 10वीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो 10वीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है गौतम गंभीर की तरफ। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर गौतम गंभीर की वीडियो देख पा रहे हो जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के नेट्स में गौतम गंभीर बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे। काफी अधिक ये वीडियो वायरल हो रही है, कुछ लोग ये बता रहे कि गंभीर अगर कमबैक कर ले तो केएल राहुल से आज भी ये बेहतर ओपनर है। इस प्रकार से यहां पर केएल राहुल को काफी अधिक ट्रोल किया जा रहा है। गौतम गंभीर की इस वीडियो को लेकर काफी अधिक केएल राहुल की ट्रोलिंग करी जा रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए क्या गौतम गंभीर आज भी लखनऊ के लिए आपके अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।